नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर सहित जिले का भी हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर महोत्सव के तैयारियों की कमिश्नर ने की समीक्षा, व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने का दिया निर्देश। आरपीएफ आईजी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चैन पुलिंग के मामले में अब होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, की जाएगी सख्त कार्रवाई। तीन लुटेरों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने अवैध हथियार व लूट के रुपए किए बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद और भूख हड़ताल पर बैठे समन्वय समिति के महामंत्री राम सिंह को जूस पिलाकर नगर आयुक्त ने नगर निगम कर्मचारियों का समाप्त करवाया धरना। 50 लाख के अष्ट धातु की मूर्ति के साथ दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सहजनवा क्षेत्र के महुआपार में हुए अवैध अतिक्रमण पर चलाया प्रशासनिक हंटर। बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न, विस्तारकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं सेविकाओं ने स्माइलपुर के तुरहा टोला में किया श्रमदान, स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। डायनेमिक फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की कार्यशाला में दवाओं के उपयोग एवं दुष्प्रभाव पर हुई चर्चा। नगर निगम ने लॉन्च किया स्वच्छता ऐप, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से करें गंदगी की शिकायत, कार्रवाई करेगा नगर निगम। चिल्वाताल में पति ने पत्नी की हत्या, दोनों के बीच अक्सर होता था विवाद। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर महानगर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में महोत्सव में शिरकत करने आ रहे कलाकारों के ठहरने, आगंतुकों के बैठने, महोत्सव में लगने वाले स्टॉलों सहित अन्य बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कमिश्नर अनिल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से करें, महोत्सव में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, गीडा की सीडीओ हर्षित कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसडीएम सहजनवा पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और इसके अलावा अगर उनकी आवश्यकता होती है कहीं वॉशअप होना है, वॉशअप देना, तो उसी व्यवस्था हमने कंटिन्यू कर रखी सर। ऑन द वे होटल की सर, सीधा संत कबीर नगर के स्टेट स्टार्ट होते ऑन द वे अच्छा होटल सर, जो उनको भी सुनिश्चित कर रखा। महीने की आवश्यकता होती है तो रुकेंगे ना सर, सीधे डायरेक्टली पहुँचता है। मैं तो एक एडवाइस ये करूँगा कि मैं कप्तान सर से कह दूँगा, आप एक सब इंस्पेक्टर को साथ में भेजेंगे हम लोग, एंड वन ऑफिसर फ्रॉम द रेवेन्यू साइड टू गो, है ना, विल कोऑर्डिनेट एंड ऑल, ठीक है ना। और एक जी डी ए का एक आदमी साथ जाएगा जो कि उनका कहीं कोई कोई अगर कुछ करना है तो कर देगा, ठीक है। ये वी सी साहब को बता दीजिएगा, ठीक, इसको इंश्योर कर लीजिएगा। तो एक व्हीकल जाएगा यहाँ से जो जी डी ए इंतजाम करेगा, उस गाड़ी में जाएंगे, एक जी डी ए से जाएंगे, एक रेवेन्यू ऑफिसर को जाएगा और एक कोई आपका पुलिस का जाएगा जो कि उनको साथ लेकर आएगा, ठीक है। रुकना पड़े कुछ करना, हाँ उसको करिए आप मुझे करके एडीएम जी साहब, आप और आप बताइए कि इसको कौन आदमी रहेगा, एंड पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड ऑलवेज बी ऑन द फोन, ऐसा नहीं कि फोन स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके बैठे, ऐसे आदमी को नहीं भेजिएगा उसको।
तो ये उसकी आवश्यकता हाँ, बिल्कुल आप लोग उसे टैलेंट करेंगे बिल्कुल सही कर दीजिए उसको। अगर कुछ भी ऐसे खरीदना हो सामान तो खरीद लेगा उसको बाद में हम लोग रिकूप कर देंगे, लेकिन ये ना रहे कि साहब वहाँ कंजूसी करेंगे, देख लीजिएगा उसको। कार्यक्रम रहेंगे, एक तो वी वी आई पी गैलरी बना देंगे और एक वी आई पी गैलरी और बाकी फिर नॉर्मल रहेंगे, तो उसकी अब कुछ आप प्लानिंग करिए कैसे करिए, कितने सीटें हैं आपकी वी वी आई पी कैटेगरी में और कितने किसमें 900 सर वो 40 मीटर्स हो जाएगा क्यों बिकॉज हम हैंगर जो लगा रहे हैं वो 40 मीटर्स का लगा रहे हैं, तो उसको हम फिर अंदर अकोमोडेट करेंगे। सर उसको आज फिर से जो है शुरुआत में 700 रहेंगे और उसके पीछे वाले उसमें उसके बाद सर 700 की अपील करेंगे, उसके बाद फिर हम 5,000 से 6,000 पूछेंगे। आप मुझे एकदम एग्जैक्टली बताइएगा करके कितना रहेगा, हमें उसी हिसाब से गैलरी बनानी पड़ेगी। महापौर जी का तो खैर ऑब्वियसली उनको तो हम लोग अगर कही रहे कि जो कार्यक्रम भी करते हैं फर्स्ट रो के बाद सर चलिए ठीक। अभी तो अरीशा साहब आप आपके सोच रहे हैं अभी आपके एडवोकेट एसोसिएशन मांगेंगे हाफ मैराथन का क्या हुआ मालूम चला आपका आर एस वो उठाए नहीं सर तो सर वो आज बात करके बता दीजिएगा। तो इसमें वाला जो इवेंट है आर के एस एफ सब टाइम आप ही और आपने उनसे बात कर ली है जी बात कर लिया और सारे डिपार्टमेंट को लेटर भी भिजवा दिया उसके फायर और नगर निगम और सबको और जो अपने मुख्य अतिथि उनसे मिलवाने सब उस पर नाम भर के और डेट और समय भर के उसको बना देंगे उसको करते ही क्या करते हैं अच्छा चलिए इसमें आपने अपने जो स्टाफ से हाँ? और हर लाख से कम से कम 20 फार्मर्स के अच्छे लोग हमारे पास सीधे उनके पास आए। आरपीएफ के आईजी राजाराम ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने वर्ष भर की उपलब्धियों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि चेन पुलिंग की घटना को रोकने के लिए कुछ विशेष स्थानों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी जहां पर इस तरह की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रेलवे में होने वाली घटनाएं कम हुई हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया अपराध संबंधी सूचनाएं या संदिग्ध व्यक्ति संबंधी सूचनाएं दें तो हम लोगों का जो मॉडल है सिक्योरिटी का वो अपना नेव मॉडल है इंडियन मॉडल है इसका कोई वर्ल्ड में कोई दूसरा मॉडल तो बिक जाएगा मतलब वारा दूसरा भी करेगा नहीं ठीक है ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आरपीएफ के बारे में पता है कि ये आरपीएफ का जो इतिहास है ये रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनी थी कमी आई है 2016 में 130 केस रेल संपत्ति चोरी दर्ज हुए थे जो
नहीं, पहले 2016 में 153 दर्ज हुए थे जो अभी 130 दर्ज हुए हैं। ये जितनी इसकी तुलना मेरे संपत्ति की चोरी में कमी आई है, लेकिन ये परसेंटेज ठीक नहीं है, मुझे लगता है इसको चेक करने की जरूरत है। चेक करो कहाँ है बोलो। 2016 में हम लोगों ने 45,396 केस दर्ज किए थे और 2017 में हम लोगों ने 48,096 केस दर्ज किए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेलवे परिसर में जो उनकी गलतियां कर रहे हैं उनको पकड़ें। इसमें एक महत्वपूर्ण काम है हम लोगों का चेन पुलिंग का, जो एलार्म चेन पुलिंग की समस्या है हमारे NER में, उसमें 28% की कमी आई है इस साल पिछले साल की तुलना में, और गिरफ्तारी भी हम लोगों ने 2017 में लगभग 59% ज़्यादा की है। मतलब हम लोगों ने दोनों फ्रंट पे अच्छा काम किया है, एक तो नंबर ऑफ केसेस में कमी आई है और जो भी केसेस हुए हैं उनमें गिरफ्तारियां हम लोगों ने बहुत बढ़ा कि हर अलार्म चेन पुलिंग के चीज़ों को नोट करना चालू किया कि जैसे भटनी यार्ड है, छपरा यार्ड है, इस तरीके से हमारे जो लोकेशंस हैं उनका जब हमने नंबर काउंट करना चालू किया तो मैंने देखा कि जब 3 महीने में 20 से ज़्यादा घटनाएं वहाँ हो गई तो मुझे लग गया कि ये जगह जो है परमानेंटली अफेक्टेड है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जगह अफेक्टेड है, ट्रेन अफेक्टेड नहीं है। उस टाइम पर उस लोकेशन पर कोई भी ट्रेन में आदमी जाएगा तो वो अपना उस जगह उतरने की प्रयास करेगा। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने अब वीडियोग्राफी माने वीडियो कैमरा खरीद के लिए अपने बच्चों को कि अब हम गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी जैसे हम वहाँ पर अगर कोई एम्बुश चेक भी लगाते हैं तो अगर 50 आदमी उतरा है तो 50 को नहीं पकड़ पाते, हम उसमें 2 पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे, 5 पकड़ेंगे, लेकिन 50 तो हम नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हमारी एम्बुश की टीम कितने की होगी, 4 या 5 आदमी की होगी। तो और कई बार ऐसा होता है कि आप पकड़ने जाए पत्थरबाजी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में पकड़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हमें लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब नहीं करना। पता लगा कि हम 2 आदमी के चक्कर में ट्रेन जलवा बैठे तो वो नहीं, तब हम वीडियोग्राफी करके उन लोगों को बाद में मुकदमा दर्ज करके 1 by 1 समन करके RPF थाने में बुला करके उनको दिखाएंगे कि देखो भाई ये तुम हो और ये वीडियोग्राफी है और ये देखो तुम्हारा कर्तव्य है, तो उसमें हमें आसानी से उनको प्रोसिक्यूट कर सकेंगे कोर्ट में भी। हम बड़हलगंज थाना क्षेत्र में लूट करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक सहित अवैध हथियार व 30,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि बड़हलगंज थाना प्रभारी को मुखबिर की सूचना मिली, तरायना पुल की तरफ से 3 संदिग्ध व्यक्ति जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने जब उन्हें रोकना चाहा तो वो भागने लगे, जिससे पुलिस ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने पर दोनों लूट की घटना को स्वीकार किए हैं। SP साउथ ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान प्रदीप यादव पुत्र लक्ष्मी यादव, शैलेंद्र कुमार पुत्र जीत नारायण, विजय पासवान पुत्र विजयपाल के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूट के 30,000 रुपये, 2 तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस, लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। SP साउथ ने बताया। हो गया, पता चले गया। आया मस्त फोटो एकदम। सर ये लुटेरों पे SSP महोदय के आदेश पर कार्य किया जा रहा था, काफ़ी घटनाएं हो गई थी इसके तहत। सो बड़हलगंज ने अपनी टीम के साथ अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत इन्हें साहूपुर के पास पुलिस बल के साथ सूचना मिली कि कुछ लुटेरे वारदात करने की फिराक पहले भी कर चुके हैं, उन पर मुखबिर की सही सूचना को मानते हुए इन्होंने सघन चेकिंग की और 3 व्यक्तियों को मैसलहा और लूटे गए धन के साथ गिरफ्तार किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक रिवॉल्वर भी मिली है और रुपए भी मिले। इन्होंने 2 लूटों को में
अपनी स्वीकारोक्ति ही दी है कि गगहा की हुई लूट और एक जानीपुर रामनगर चौराहे के पास हुई लूट इन लोगों ने स्वीकार की है और ये खुलासा करके हमारी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। हमने एसएसपी महोदय से इनके लिए विशेष पुरस्कार की भी संशोधन की है। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था शुक्रवार को उसका समापन नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद हो गया। समिति के सदस्यों की 9 मांगों में से 8 मांगें मान ली गई हैं। केवल एक मांग जो कि कर्मचारियों के विनियुक्तिकरण को लेकर है उसके लिए 10 दिन का समय मांगा गया है। भूख हड़ताल पर बैठे समिति के महामंत्री राम सिंह को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका भूख हड़ताल समाप्त करवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया, जिसमें चाहे वो किसी विभाग के हों, चाहे जलकल को हों, चाहे निर्माण के हों, चाहे और हमारे रेगुलर कर्मचारी हों, चाहे सफाई कर्मी हों, सभी लोग हैं जो भी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनकी सेवा संबंधी शिकायतें हैं, विभागीय कार्रवाई है, प्रोन्नति है, एसीपी है, मृतक आश्रित है, किसी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति है, सबको वरीयता के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो है समय से हो जाएं ताकि कर्मचारियों को भी वक्त रहते इनका लाभ मिल जाए। तो कौन बताएगा आप लोगों की समस्याएं हैं, कौन आप में से कौन बताएगा समस्याएं? सर प्रारंभ आप करेंगे हमारे संरक्षण। अच्छा अच्छा, अभी किस पद पे हैं आप यहाँ पे? आप सेवा रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, समन्वय समिति के हम संरक्षक हैं। अच्छा, भाई कब थे आप, कब सेवानिवृत्त हुए हैं? हम 16 बैठे तो उनको बुला लिए। आपने भूख हड़ताल कल ही से चालू हुई है ना? कल से चालू हुआ सर। तो रात भर तो खा वा के बैठे? नहीं सर, रात को नहीं सर, लोगों का कभी कभी ऐसा नहीं रहा। कल तो खाना खाया ही होगा? नहीं, कल सुबह भी नहीं खाया। अच्छा यार, तो इसे भी कौन गरम पानी पी रहे हैं? कर्मचारियों से वार्ता की गई, इनकी समस्याओं को सुना गया और इनकी 8 शिकायतों में से कुछ ऐसे शिकायतें थी जिनका पूर्व में ही निराकरण किया जा चुका था, जैसे मृतक आश्रितों को सेवायुक्त करना, वो करीब 15 दिन पहले ही किया जा चुका था। कर्मचारियों को 4 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक कर्मचारी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, शेष कर्मचारियों को जांचोपरांत जो है बहाल करने की कार्रवाई पूर्व में ही की जा चुकी थी। साथ ही साथ कर्मचारियों की एसीपी संबंधी लाभ, आवासीय ऋण संबंधी मामले, मेडिकल क्षतिपूर्ति का मामला एवं सेवा संबंधी कुछ अन्य विषयों पर वार्ता हुई है, जिसमें 3 प्रकरण स्थानीय स्तर पर ही निपटा दिए गए हैं, जिसमें उनकी एसीपी संबंधी मामले और मेडिकल क्षतिपूर्ति का मामले के लिए 1 माह के अंदर समिति का गठन पैर से हो चुका है। वो समिति बैठक करके इनके प्रकरण का निस्तारण कराएगी। 1 मामला है जो कर्मचारियों के विनियुक्तिकरण का है, उसके लिए शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं, जैसे ही दिशा निर्देश आ जाएगा हम कार्रवाई करेंगे। उस मामले में भी हमारा बड़ा पॉजिटिव व्यू है कि उन कर्मचारियों को हम लाभ दिला सकें। मैं स्वयं भी प्रमुख सचिव साहब से इन सब चीज़ों से अवगत कराते हुए शासन को दूरभाष पे भी बात करके कोशिश करूंगा कि जल्द ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिल जाए। इसी क्रम में भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद समिति के महामंत्री राम सिंह ने गोरखपुर न्यूज से बात करने के दौरान बताया, 3 तारीख से जो हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर, आज 12 बजे से नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी, 8 बिंदुओं पे सहमति का उसका आदेश हो गया है। प्रथम बिंदु पे जहाँ जो दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियुक्तिकरण करने का है उसका भी उन्होंने 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन में उसको पूरा कर देंगे। हमारी मांगे पूर्णतः मान ली गई है, इसलिए हम आज अपनी भूख हड़ताल नगर आयुक्त साहब ने जूस पिला के हमारा हड़ताल समाप्त किया है। मैं नगर निगम प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अपने नगर निगम कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिस मजबूती से इस लड़ाई को आंदोलन को चलाने का कार्य। 50 लाख की चोरी की लड्डू गोपाल की अष्ट धातु की मूर्ति के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ गणेश साह ने बताया कि चौरी चौरा थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक दुराचार के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोककर उसने पूछताछ की तो उसके पास से 5 किलो 500 ग्राम की लड्डू गोपाल की अष्ट धातु की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख की है। इसके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान चौरी चौरा थाना अंतर्गत के संदीप गौतम पुत्र उमेश गौतम और नरेंद्र यादव पुत्र वैद्यनाथ यादव के रूप में हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी आकाश चौधरी फरार है। एसपी नॉर्थ ने इस संबंध में बताया। इसमें जो चौरी चौरा में विगत कुछ दिन पहले एक 376 का एक मामला आया था, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए जो अभियुक्त थे टीम बनाई गई थी, संदीप गौतम को अभियुक्त को जब गिरफ्तारी के लिए टीम ने पकड़ा तो इनके जो तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और एक अष्ट धातु की मूर्तियाँ मिली। जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि एक आकाश चौधरी है जो इनके लीडर हैं, इनके साथ मिलके ये लोग चोरी का काम करते थे और आकाश चौधरी के द्वारा इनको ये मूर्ति दी गई है। 2 बाइक बरामद हुई है जिनका पंजीकरण आपको कैंट में था तो उसका भी पता चल गया है। ये जो अष्ट धातु की मूर्ति है ये कहाँ से मिली है, कहाँ से चोरी की गई है, तो इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इनका कहना है कि आकाश चौधरी के द्वारा दिया गया है। आकाश चौधरी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई जा रही है और जल्द से जल्द ये पता किया जाएगा कि ये मूर्ति कहाँ से चोरी की, ये चौरी चौरा रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि जिले के सभी कार्यालय विभाग अपना संपत्ति रजिस्टर करा लें, साथ ही इस बात का भी प्रमाण पत्र दें कि उनके किसी भी भूमि या भवन पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसी के मद्देनजर सहजनवा क्षेत्र में श्रावस्ती मॉडल के तहत शुक्रवार को महुआपार गाँव और जंगल दीगर का चयन किया गया है। महुआपार में SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष सहजनवा तथा रेवेन्यू व पुलिस के उपस्थिति में खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जेदार जैसे राहुल पुत्र त्रिभुवन, जितेंद्र सत्य, त्रिभुवन देव, राम आशीष के द्वारा छप्पर व अन्य अस्थायी कब्जे को हटवा दिया और रजित और सत्य के अवैध पुराने स्थायी पर बेदखल वाद दर्ज किया गया है। इस मौके पर SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सख्ती से कब्जेदारों से जमीन को खाली कराया। आपको बताते चले कि अवैध कब्जेदारी संबंधी आदेश अभी गुरुवार को ही दिया गया था, जिसका त्वरित पालन संबंधित अधिकारियों के तरफ से किया जा रहा है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के विस्तारकों की बैठक शुक्रवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल ने की। बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती के साथ साथ विभिन्न जनपदों से आए विस्तारकों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठक के दौरान संगठन के क्षेत्रीय महामंत्री शिव कुमार पाठक ने विस्तारकों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें, अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उसका निवारण भी करा लें। इस मौके पर पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद राय, क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय विस्तारक प्रमुख श्रवण कुमार पांडे सहित विभिन्न जनपदों से आए विस्तारक मौजूद रहे। जाति परिषद में तो दिया जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना, छात्र दल करें, छात्र राज करेंगे। देश की राजनीति और देश में विकास की जो योजनाएं, नीति निर्धारण प्रारंभ हुआ, उससे उसी सरकार में कुछ मंत्री थे जिन लोगों ने उन नीतियों का विरोध किया, ये कहते हुए कि जिस भाव से, जिस विचार के आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस सिद्धांत उद्देश्यों की पूर्ति इस नीति के आधार पर नहीं हो सकती है। आज देश आज़ाद हुआ है, देश आजाद हुआ है तो हमें आजाद देश के आधार पर नीति बनानी पर चाहिए
और एक साफ नियत के आधार पर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। पद से त्याग दिया और आकर के कुछ वर्षों तक उन्होंने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन में काम करने वाले उस जमाने के विद्वान लोगों से संपर्क किया और कहा कि हम मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा राजनीतिक दल बने जो देश की समस्या के समाधान के लिए, देश के विकास के लिए और जो देश ने अपना गौरव खोया है वो भविष्य में आने वाले समय में भारत का गौरव पुनः स्थापित हो, इस ऐसा काम करने वाली सरकार बने और उस सरकार में इस तरीके के लोग रहे जो इस देश को भारत भूमि का टुकड़ा न माने बल्कि भारत को मातृभूमि माने, इस विचारधारा को लेकर के लोग काम करें। उससे लेकर के कुछ समय बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना, और भारतीय जनसंघ की स्थापना होने के बाद कुछ वर्षों तक काम किया और काम करने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार और आज भारतीय जनता पार्टी ये देश में केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के पहले जो भारतीय जनसंघ बना और उस समय जो अनेक लोगों ने भारतीय जनसंघ को काम करने के लिए जो ताकत दी, अपना समय दिया, उनके मन में कोई ये तमन्ना नहीं थी कि हम भारतीय जनसंघ की स्थापना करके प्रधानमंत्री की शपथ ली, 13 दिन सरकार बनी चली और 13 दिन की सरकार सदन में जब प्रस्ताव उन्होंने पेश किया अपने समर्थन का, ये जानते हुए भी, लेकिन उन्होंने अपना सदन में पूरा भाषण दिया और ये कहा इस देश की सेवा हमने 40 साल संघर्ष किया है, हमने कहीं भी लोभ में मोह में पद प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जो दूसरों ने किया है। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि इन्होंने किस राजनीतिक दल में थे, प्रजातंत्र किस राजनीतिक दल में शामिल होकर के केंद्र की सरकार में मंत्री बने, अनेकों सदन में ऐसे लोग बैठे थे जो कभी इस दल में थे, कभी इस दल में थे, कभी उस दल में पहुंचे, जो जिस तरीके से उनके समझ में आया वैसा लोभ के लिए उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया। मारवाड़ बिजनेस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय और हनुमान प्रसाद पोद्दार इकाई के स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं द्वारा शुक्रवार को इस्माइलपुर स्थित तुरहा टोला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया गया। तुरहा टोला में स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं ने साफ सफाई करते हुए वहां के स्थानीय लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी, कृष्णा दुबे, आदेश श्रीवास्तव, सौरव यादव, प्रीति त्रिपाठी, निधि यादव सहित कई स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया, हमारे मारवाड़ बिजनेस स्कूल में 7 दिवसीय शिविर का 2रा दिन है
और यह शिविर इस्माइलपुर तुरहा टोला में लगा हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे हमारे स्वयंसेवक सेविकाओं के द्वारा सर सफाई का कार्य किया जा रहा है और साथ में कॉलेज परिसर की भी सफाई की जा रही है, जिसमें हमारे स्वयंसेवक सेविकाओं का विशेष योगदान है और इसमें से कुछ जो स्वयंसेवक सेविकाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है उसे हम पुरस्कृत करने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। जो बच्चे कभी घर पर कार्य नहीं करते हैं, आज यहाँ सर सफाई का कार्य बड़ी ईमानदारी से जागरूकता के साथ कर रहे हैं। डायनेमिक फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में फार्मासिस्टों द्वारा दवाओं के उपयोग, दुष्प्रभाव से संबंधित जानकारियां और ग्रामीण क्षेत्रों में रोग और दवाओं के उपयोग संबंधी जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान अखिलेश सिंह, पीयूष कुमार, राजेश मौर्य, पवन शर्मा सहित कई अन्य मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर शिव शंकर पांडे ने बताया, कैंप जो ऑर्गेनाइज हो रहा है इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है कि सबसे बड़ा मकसद क्या है, देखिए अपने इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर के साथ मिलकर के फार्मासिस्ट काम करेंगे, तो जैसे जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि आपको दवा इतनी दिन लेनी है, फिर डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो सेल्फ मेडिकेशन होता है, पेशेंट जनरली क्या अपने मन से दवा लेके खा लेता है, तो उन सब चीजों के लिए हम जब गाइड और अवेयरनेस करेंगे तो क्या होगा, लोग सेल्फ मेडिकेशन से बचेंगे। ऐसे में क्या होगा, उनका जो हेल्थ स्टैंडर्ड होगा उन्हें ये पता होगा अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमको जाना है डॉक्टर के पास, हमें कंसल्टेशन लेना है, और कंसल्टेशन के बाद वो फार्मासिस्ट के पास आके काउंसलिंग करा सकता है कि सर हम ये दवा खाए थे, इसमें डोजिंग प्रोफाइल वगैरह, तो फार्मासिस्ट वहाँ गाइड कर सकता है। वही सर है, हमें डॉक्टर नहीं है, हमें जैसे कि डायग्नोस नहीं करना है, नहीं डायग्नोसिस नहीं आता है, कॉम्प्लायंस पे ध्यान देंगे उसके लिए कि जो दवा वो पेशेंट यूज कर रहा है आप उसको डोजिंग बता दीजिए कि भाई ये सुबह शाम का है, उसको समझ में नहीं आ रहा सुबह शाम का है, रात को सोते समय लेना है, ये क्लेरिफाई कर दें। क्योंकि डॉक्टर जैसे डॉक्टर टर्मिनोलॉजी में लिखता है, जैसे लिख दिया उसने एसी, अब पेशेंट को तो टर्मिनोलॉजी नहीं पता है उसने, तो पेशेंट जो दवा लेके आ रहा है वो एक्चुअल में जब सही दवा लेगा तो उसका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे गाँव के लोग हैं, तबीयत अगर खराब हो जाती है तो वो होता है कि उनके पास 300 रुपये फीस नहीं कि वो गोरखपुर आ जाए, तो ऐसे में वो जानते नहीं है, उनको पता नहीं होता है हमें क्या करना है या हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आपका वहाँ पे गाइडेंस सही होगा कि देखिए ये चीजें आप घर पे कीजिए, जैसे मान लीजिए मलेरिया की बीमारी है तो आप वहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसे से आप करिए, मच्छरों की आबादी कम हो तो मलेरिया कम होगा, या मलेरिया के लक्षण ये होते हैं, अगर ऐसा दिक्कत आपको होता है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए या फिर आप तुरंत किसी डॉक्टर के पास आके कंसल्टेशन ले लीजिए, उसी के कंसल्टेशन। और टाइफाइड बुखार किस कारण से होता है, वे प्रदूषित जल पीने से हो गया, तो आप एटलीस्ट उसको काउंसलिंग करेंगे तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास पहुंचेगा, सही दवा उसको मिलेगी, उसको हेल्थ प्रोफाइल को सही होगा। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास, जिनको ऑलरेडी 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, तो बतानी है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गोरखपुर का नगर निगम भी हाईटेक हो रहा है। स्वच्छता को एक अभियान के रूप में बनाकर चलने के लिए नगर निगम ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है स्वच्छता ऐप। इसके आपको जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति जहां पर कहीं कूड़ा, कचरा, गंदगी आदि हो उसकी फोटो खींचकर इस ऐप के माध्यम से नगर निगम को सूचित कर सकता है। इस ऐप के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पे विशेष जोर दिया है, जिसमें सफाई, साफ सफाई, खुले में शौच से मुक्ति के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें नगर निगम गोरखपुर में भी कोई व्यक्ति अपने स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल पे इस स्वच्छता ऐप को डाउनलोड कर सकता है। कहीं भी शहर में गंदगी, नदी नाले, जहां पर नालों में सिल्ट भरी हो, कचरा बिखरा हो, उसकी फ़ोटो खींचकर उस पर अपलोड कर सकता है और हम तुरंत उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वहाँ सफाई करा करके उस सफाई के पश्चात की फोटो उस पे हम अपलोड करेंगे, जिसकी सूचना उस संबंधित
व्यक्ति को उसके मोबाइल पे भी हो जाएगा। चिल्वाताल थाना अंतर्गत के करीमनगर में पति द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। करीमनगर में किराए के मकान में रहने वाला थाना गोलरिया निवासी चुन्नू ने अपनी 24 वर्षीय पत्नी नंदनी के गले पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी चुन्नू का बड़ा भाई संतोष करीमनगर में 4 माह पूर्व राम सूरत यादव के मकान में किराए पर कमरा लेकर पत्नी कुसुम के साथ रहता था। 10 दिनों से छोटा भाई चुन्नू अपनी पत्नी नंदनी को लेकर बड़े भाई संतोष के पास आया था। आसपास के लोगों के अनुसार इन दोनों के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता था। शुक्रवार की सुबह बड़ा भाई संतोष अपनी पत्नी कुसुम के साथ दवा लेने चला गया। कुछ देर बाद चुन्नू और नंदनी किसी बात को लेकर आपस में मारपीट करने लगे, जिसकी आवाज़ सुनकर किराए पर रह रहे छात्रों ने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद चुन्नू दरवाज़ा खोलकर सबको धक्का देकर बाहर सड़क की तरफ भाग गया। चुन्नू के घर से निकलते ही उसकी पत्नी लहूलुहान अवस्था में बरामदे में गिरकर बेहोश हो गई। 100 नंबर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ गणेश साहा ने बताया, इसमें अभी मौके पे ऐसा हो गया है और उनसे बातचीत की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 391वां प्रकाश पर्व का आयोजन महानगर के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का पाठ किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर इसका लाभ उठाए। इसी क्रम में सिख समुदाय की तरफ से महानगर के चेतना तिराहे पर गरीबों के बीच खाने पीने की सामग्री भी भेंट की गई। अरदास कोंकार वंड के छकिया देख चलाए देख वाए देख सब के अंडित किता तिन्ना प्यारिया सजारे दी कमाईदा ते अंदर के बोलना जी तिन्ना सिंगा सिंगे अंतर के बोलना जी वाहे गुरु कविता सुर प्रदादा ते अंतर के बोलना जी वाहे गुरु सारी की अरदास है जी सुख काल सारी को जो अटल धर्म का जयकारा बोलना जी आप जी दे गुरु सिखा दा मन नीवा मत उ सब था श्री महाराज जी पोथी परमेश्वर का स्थान छे पासा संता के कार्य आप लोया हर आप जी ने छे पासा मत वाले तो लागे शिविर तो संता नु खुले दर्शन दादे के निहाल किता महाराज जी हो आप जी दे हजूर से पास अरदास बेनती जोधरी महाराज जी आप जी दे हजूर हम तेरे दीवान सरगुल के महाराज जी आप जी सुन जब साके कहना गया आप जी नबी अंगीकार करना सेवका दे लोग पर लोग भी पड़े जांगिया है। कपड़ा ले लेता तू
सात डेढ़ तो हम बात के लिए कई बार नहीं रहा। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर महोत्सव के तैयारियों की कमिश्नर ने की समीक्षा, व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने का दिया निर्देश। आरपीएफ आईजी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चैन पुलिंग के मामले में अब होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, की जाएगी सख्त कार्रवाई। तीन लुटेरों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने अवैध हथियार व लूट के रुपए किए बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद और भूख हड़ताल पर बैठे समन्वय समिति के महामंत्री राम सिंह को जूस पिलाकर नगर आयुक्त ने नगर निगम कर्मचारियों का समाप्त करवाया धरना। 50 लाख के अष्ट धातु की मूर्ति के साथ दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सहजनवा क्षेत्र के महुआपार में हुए अवैध अतिक्रमण पर चलाया प्रशासनिक हंटर। बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न, विस्तारकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं सेविकाओं ने स्माइलपुर के तुरहा टोला में किया श्रमदान, स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। डायनेमिक फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की कार्यशाला में दवाओं के उपयोग एवं दुष्प्रभाव पर हुई चर्चा। नगर निगम ने लॉन्च किया स्वच्छता ऐप, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से करें गंदगी की शिकायत, कार्रवाई करेगा नगर निगम। चिल्वाताल में पति ने पत्नी की हत्या, दोनों के बीच अक्सर होता था विवाद। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर महानगर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।